आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? कुछ बोलिए ना। डोंट वरी, कुछ नहीं होगा डैड को। नीरू, जल्दी से। सर, आप इस रिसेप्शन में फॉर्म भर दीजिए। कोई डॉक्टर साहब को बुलाओ। डॉक्टर साहब, ये क्या हो गया? डॉक्टर साहब, क्या हुआ इन्हें? डॉक्टर साहब देखिए ना, पता नहीं खाना खाते खाते बेहोश हो गए। कोई मेडिकल हिस्ट्री? थोड़ा बीपी की प्रॉब्लम है और शुगर की। इससे पहले भी कोई बीमारी हुई थी? आई मीन इस एज में हार्ट प्रॉब्लम भी हो सकती है। नहीं नहीं नहीं, भगवान की दुआ से ऐसा कुछ भी नहीं है। बस पिछले हफ्ते एक बार बेहोश हो गए थे, हम लोग हॉस्पिटल लेकर आए थे, सारे टेस्ट कराए थे, सब नॉर्मल आया था। गंगा बताओ ना, सारी रिपोर्ट नॉर्मल थी। बोल ना लड़की, ये कोई बीमारी नहीं है। चलो ठीक है, मैं चेक करता हूँ। चेक कीजिए। सब ठीक है ना डॉक्टर साहब? डॉक्टर डॉक्टर शर्मा के दर हैं, हमारे बाबू के वही डॉक्टर हैं, उन्होंने ही टेस्ट किया था लास्ट टाइम। गंगा जी, डॉक्टर शर्मा कहाँ है? डॉक्टर शर्मा इज ऑन लीव। एक्चुअली डॉक्टर शर्मा ने मुझे निरंजन जी के बारे में सब कुछ बता दिया है, मैं उनका केस अभी हैंडल कर रहा हूँ। लेकिन डॉक्टर साहब, निरंजन जी को कैंसर है, ये उनकी वाइफ को नहीं पता है, तो प्लीज थोड़ा ध्यान रखिएगा। I've taken over this case. He's my patient now. मैं इन्हें अटेंड करता हूँ, ठीक है? जी सर। डॉक्टर साहब, ये बार बार क्यों बेहोश हो रहे? पिछली बार सारे टेस्ट कराए थे ना, सब नॉर्मल था, फिर क्यों बेहोश हो गई है? देखिए, वीकनेस की वजह से ऐसा हो सकता है, आप फिक्र मत कीजिए, मैं इन्हें एग्जामिन करता हूँ। इन्हें आईसीयू में ले चलो, जल्दी। जल्दी से। जी कितनी परेशान है, बापू की बीमारी का पता चलेगा तो पूरी तरह टूट जाएंगी। सुन, बहू से छुपानी पड़ेगी एक बार, अगर उसे पता चल जाएगा तो वो सहन नहीं कर पाए, नीरू को भी पता चल जाएगा, छुपाना होगा उसे। वो गलतेगी, इतनी बड़ी बात। बड़ी बात? बचपन से आज तक हमारे बीच जो कुछ भी हुआ, हमें बहुत शिकायतें रही तुमसे, लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने में तुम्हारे लिए वो प्यार जिंदा था। पर अब सब खत्म हो गया सागर, सब खत्म हो गया। सुना तुमने? तुम्हारे लिए हमारे दिल में उस प्यार ने दम तोड़ दिया। आज अब हमारे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ नफरत ही नफरत है और कुछ नहीं है। अरे बेटे, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? बिना डॉक्टर साहब से पूछे तुमने दवा कैसे दे दी? ये क्या कर रहे हो बेटा? तुम्हें पता है कि वो माँ बनने वाली है, और इस तरह से कोई उल्टी सीधी दवाई दे दोगे तो लेने के देने पड़ सकते हैं बेटा। आप लोग परेशान मत होइए, अब पेंशन वाली कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, आगे से इनका ध्यान रखिएगा। शुक्र संतोषी माँ का कि हमारी बहू ठीक है। मटके से टकराया और मटके को ही कोस रहा है कि चोट लग गई। चल यहां से। Thank you.
कभी कभी हम असाब पर बैठ सकते हैं? देखो पगली, ऐसा है कि वो तो हमने मजबूरी में, मतलब उस गुंडा मलमलूका के चक्कर में तुम्हें शाप पे बिठा दिया था, लेकिन अब वो पकड़ा गया है, इसलिए ख्याल अपने मन से निकाल दो। और वैसे भी तुम घर की लक्ष्मी हो, घर की लक्ष्मी हमेशा घर में ही अच्छी लगती है, हम शाप पे अच्छे लगते हैं, ठीक है पगली? चलो अब इतना ही काफी है, शाम को कुछ और बढ़िया सा बना लेना, ठीक है? हम आते हैं।